स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि यूज़ होता है सीए फाइनल में और सीए इंटर में। कुछ कुछ यू नो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग किस हिसाब से याद रख सकें, ठीक है। तो पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड 200 स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि उसको रिमेम्बर कैसे करना है। जब हम 200 स्टैंडर्ड बनाते हैं तो उसकी एक फैमिली, एक सीरीज़ टाइप बना देंगे, ठीक है। 200 टू 299 है इसकी सीरीज़, तो हम ये नंबर्स याद कैसे रखें? पहले हम एक यू नो चार्ट बना लेते हैं, एज इन कि हम लोग हर स्टैंडर्ड की सीरीज़ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हैं ऐसे 200 सीरीज़, ऐसे 300 सीरीज़, ऐसे 400 सीरीज़, 500 सीरीज़, 600 एंड 700 सीरीज़, यही है हमारे पोर्शन में, राइट। तो हम पहले देखते हैं 200 फैमिली में कौन कौन रहते हैं, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 200 से, ओके। पहले हम नंबर्स दिमाग में छाप लेंगे कि कौन से नंबर्स ऐसे 200 में आते हैं, ओके। 200 के बाद सारे नंबर्स जो हैं 10 के मल्टीपल्स हैं, राइट। 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, वहाँ तक मल्टीपल्स ऑफ 10 हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड में आता है वो है 265, ओनली 5 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड जो लास्ट में आता है वो है एकदम ऑड नंबर 299, ठीक है। ये है इसमें सारे चीज़ें। तो अब इसे याद कैसे करना है, चलिए फटाफट आप है ना मेरे साथ साथ रिपीट करिए ये नंबर्स वेरी क्विक पेस में। और ये आप अगर 5 times ये रिपीट कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। बस आप रिवाइज करते रहिए ये डेली बेसिस पे, तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो ऐसे 200 इज़, अब हम ना छोटे छोटे फॉर्म्स में लिख लेंगे, पूरा कंप्लीट स्टैंडर्ड नहीं लिखेंगे। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप कंप्लीट स्टैंडर्ड का याद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 200 डील्स विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसे 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे 220 इज द क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 230 इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 240 फ्रॉड्स ड्यूरिंग द ऑडिट, ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे 265 कम्युनिकेशन ऑफ डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद द गवर्नमेंट, गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे 299 द जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली यहाँ पर ऑडिटर को करना क्या है वो सारे चीज़ें दिए हुए हैं कि कैसे आप अप्रोच करना है, कैसे आप डॉक्यूमेंट करना है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। यू नो बहुत सारे उसमें निमोनिक्स रहते हैं कि हमें कैसे याद रखना है एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है वो स्टोरी टाइप, वो नंबर्स, वो वर्डिंग्स याद करने एक्स्ट्रा एडिशनल दिखता है मुझे वो याद करना। उससे बेहतर है कि हम डबल चीज़ें याद करने के बजाय हम डायरेक्टली यू नो 200 टू 299 के चीज़ें याद कर लेंगे। अगर आप ये 5 times रेगुलरली पढ़ेंगे और डेली बेसिस पे आप फर्स्ट थिंग जो है ये उठ के सुबह इसी को रिवाइज करेंगे तो आपका ईजिली आपके मुँह पर रहेगा ये स्टैंडर्ड्स, आई बेट यू। चलिए क्विकली बढ़ते हैं 300 सीरीज की तरफ। वो है 300 फैमिली, उसमें ओनली 4 मेंबर्स, दैट इज ऐसे 300, ऐसे 315, ऐसे 320, ऐसे 330। यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल्स ऑफ यू नो 5 है बेसिकली। फर्स्ट उसमें 300 के बाद 315 आता है, लाइक स्किप ऑफ 15 है, उसके बाद आता है स्किप ऑफ 5, ओके स्किप काउंट ऑफ 5, ऐसे 320 एंड उसके बाद आता है 10, ओके 10 स्किप। नाउ हमको याद कैसे करना है, बार बार हमें ये पढ़े ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ऐसे 320 मटेरियलिटी, ऐसे 330 रिस्पॉन्सेज टू द एसेस रिस्क। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ है ना यू नो ऑडिट में प्लान कैसा प्लानिंग करेंगे और हम लोग है ना सिर्फ रिस्क के बारे में देखेंगे, रिस्क ढूंढेंगे, उसके कितने यू नो स्कोप्स हैं मटेरियलिटी के देखेंगे, कितने हद तक हम रिस्क बर्दाश्त कर सकता है हमारी कंपनी, जो भी हमारी क्लाइंट कंपनी है वो देखेंगे, और यू नो जो भी रिस्क हम आइडेंटिफाई करें SA 315 में वो चीज़ों के रिस्पॉन्स देंगे SA 330 में। तो ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4, ये याद कर लेते हैं वेरी क्विकली। SA 300 ऑडिट प्लानिंग, SA 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, SA 320 मटेरियलिटी, SA 330 रिस्पॉन्सेज टू द SS रिस्क। अब आती है बारी सबसे छोटी फैमिली की, वो है ऐसे 400 सीरीज, वो है सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन के बारे में, जिसे याद करने की सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ऐसे 402, ऐसे 440।
ओके तो ऐसे 402 में ऑडिटिंग ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है, हम जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो क्लाइंट कंपनी है वो किसी और की सर्विस यूज कर रही है तो हम उसका क्वालिटी उसकी इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं भाई। बेसिकली ये सेक्शन ये सीरीज है इवेल्युएशन की, जहाँ पर हम यहाँ 402 में हम दूसरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इवेल्युएशन देखते हैं और ऐसे 450 में इवेल्युएशन ऑफ स्टेटमेंट हमारे खुद के देख लेते हैं, ठीक है। ईजी टू गो, अब तक के 3 सीरीज समझ में आए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। SA 500 सीरीज हमारी सबसे बड़ी फैमिली है, वो हम कैसे पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें ना बहुत इजी है। देखिए रिमेंबर, अगर नंबर्स रिमेंबर करना है तो उसके लिए SA 500 है, 500 के बिल्कुल बाद ही ये फर्स्ट 3 आप छोड़ दीजिए, SA 500, SA 501 और SA 505। उसके बाद आप देखिए 510 से अगर शुरू होती सीरीज तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ते जा रहा है, वो देखिए आप स्किप काउंटिंग, SA 510, SA 510, SA 520, SA 530, SA 540, 50, 60, 70, 80 तक है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फर्स्ट 3 SA 500 में 500 एंड नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट ऐसे है 501, बिल्कुल नेक्स्ट नंबर, उसके बाद आता है 5 का मल्टीपल, ओके SA 505, उसके बाद आता है डायरेक्टली 510, वो भी 5 का मल्टीपल, ठीक है। इस हिसाब से आप याद रखें, ठीक है, फर्स्ट 3 इज ऑफ डिफरेंट थिंग, बाकी के पूरे मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं SA 500 ऑडिट एविडेंस, यहाँ पर पूरे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। SA 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम होते हैं 3, वो चीज़ों को हम लोग स्पेसिफिकली कंसिडर करके अच्छे से हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, अब जो भी हमको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, जो भी हमको हमारे हाथ में मिले हैं वो कंपनी वो क्लाइंट कंपनी के लिए, तो हम बाहर वालों से भी चेक करके देखते हैं वेदर हम लोग बोल रहे हैं सो बिल्कुल भी करेक्ट है, ऑथेंटिक है या नहीं देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट SA 510 इनिशियल इंगेजमेंट, यहाँ पर कुछ अगर हम न्यू ऑडिट इंगेजमेंट ले रहे हैं कोई कंपनी से तो हम उसके टर्म्स देखते हैं और हम उसके ना प्रीवियस ओपनिंग ओपनिंग बैलेंसेस देखते हैं, SA 510 में दिया हुआ है, ठीक है। SA 520 एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है हम उसको है ना एक प्रीवियस ईयर बेसिस या करेंट ईयर बेसिस के ऊपर देख के हम लोग एक ग्राफ चार्ट बनाए जैसा उसका प्रोसीजर उसको रिव्यू करते हैं, हम ये देखते हैं के उसके प्रीवियस ईयर से कुछ ज़्यादा डिविएशन तो नहीं है या उस ये साल के कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं है या अबनॉर्मली कुछ हाई या लो है, तो उसमें हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उसके हम ज़्यादातर उसमें हम ज़्यादा ढूंढने लगते हैं उसके फ्रॉड्स है या नहीं, ठीक है। SA 530 इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में क्या होता है, हम लोग क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उसके सारे ट्रांजेक्शन हम चेक करना हाईली इम्पॉसिबल हो जाता है, तो इन दैट केस जब सैम्पलिंग करते हैं तो हम एक पॉपुलेशन में से बिल्कुल भी थोड़े बहुत चीज़ें उठाते हैं, एक एरियाज लेके हम उस पर ऑडिटिंग के एविडेंसेस ऑडिटिंग करते हैं, वेदर इन लोग करेक्ट करें, रैंडमली पिकअप करके देखते हैं वेदर वो एंट्री करेक्ट हुई है या नहीं, वो उसका ट्रीटमेंट करेक्ट हुआ है या नहीं, ओके। SA 540 इज एस्टिमेट्स, जो भी हमारे एस्टिमेट्स है इज एस्टिमेट्स ऑफ मैनेजमेंट इज मैचिंग विद द एस्टिमेट्स ऑफ ऑडिटर और नॉट, और देर इज़ अ ग्रेट डिस्पैरिटी या बहुत ज़्यादा ही डिस्पैरिटी है दोनों के एस्टिमेशन में, वो देखते हैं उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच करते हैं। SA 550 में है रिलेटेड पार्टीज, जहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है उसका AS 18 में जो रिलेटेड पार्टीज है, और वहाँ पर हमको ना नोट्स टू अकाउंट्स में उसको स्पेसिफाई करना है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई क्लाइंट कंपनी जो अपनी लिया है उसके रिलेटेड पार्टीज चेक करे और देखें कि वो हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। SA 560 है सबसिक्वेंट इवेंट्स, थोड़े बहुत इवेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो बैलेंस शीट ईयर के बाद आते हैं, ठीक है, या नहीं तो ऑडिटिंग रिपोर्ट के थोड़े पहले आते हैं वो इवेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेट करने के लिए, तो उस इवेंट्स को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए अपने ऑडिट रिपोर्ट में, वो रहता है SA 560 में हम उसका डील करते हैं, ठीक है। SA 570 इज़ अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न इज़ द बेसिक, जो बेसिक चीज़ होती है हम एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं वो है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलते रहेगी, राइट, तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे हमारी एक अकाउंटिंग वो रहता है, तो हम चेक करते हैं अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे हाथ
साथ में है हमारे जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस वो गोइंग कंसर्न कोई उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं, वेदर कोई पैरामीटर जैसे बता रहे हैं जो कि गोइंग कंसर्न इसके इफेक्ट करती है, तो उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए ऐसे 72-570 में अबाउट गोइंग कंसर्न। आता है लास्ट 580 जहाँ है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ऑडिटिंग लिमिटेशंस बहुत होते हैं और यू नो मैनेजमेंट अपना यू नो जो भी अपनी बैलेंस शीट प्रोड्यूस कर रहा है उसे अपने जिम्मेदारी लेना पड़ता है उसके लिए, तो वो है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 500 फैमिली हम इजीली याद करेंगे। चलिए मेरे पीछे क्विक 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 बोलेंगे आप लोग सब, तो SF500 ऑडिट एविडेंस, SF501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स, SF505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, SF510 इंटरनल इनिशियल कट हियर स्टार्ट, SF510 इनिशियल एंगेजमेंट, SF520 ARP, SF530 सैम्पलिंग, SF540 एस्टिमेट्स, SF550 रिलेटेड पार्टीज, SF560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, SF570 गोइंग कंसर्न, SF580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। 600 फैमिली यहाँ पर SA600 है वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर एंड SA620 इज ऑडिटर्स एक्सपर्ट। यहाँ पर अनदर ऑडिटर जो हमारे ही सेम लाइन के हैं ऑडिटर, बट ही यू नो ब्रांच ऑडिटर काइंड ऑफ थिंग, तो उसके बारे में है कि हमें उसके रिप्रेजेंटेशन या उनके रिकमेंडेशन के कैसे डील करना है। ठीक है, SA610 इज ऑफ इंटरनल ऑडिटर जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर्स जैसे उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है और उनसे कौन सा वर्क कैसे निकालना है। ठीक है, हमारे रिक्वायर्ड वर्क निकालना है। ठीक है, SA620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट, बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पर जो ऑडिटिंग यू नो ऑडिटर के फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हटके होते हैं जैसे कि लीगल टीम वगैरह होती है, तो यू नो ऑडिटर्स वहाँ से उस एक्सपर्ट को लाना ज़रूरी हो जाता है, तो ऑडिटर्स अपने एक्सपर्ट्स रखता है ताकि उसका वर्क आसान हो सके। तो इट्स वेरी सिंपल, SA600 की फैमिली में ओनली 3 थिंग्स आते हैं, देर आर SA600, 610 एंड 620, 600 अनदर ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर, 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट। चलिए हम डील करते हैं SA700 की सीरीज में, तो हम देखते हैं फर्स्ट SA700 टाइप्स ऑफ ओपिनियन, उसी के अंडर में आते हैं SA701, 705 एंड 706, ये एक ही होते हैं ऑलमोस्ट, और 710 एंड 720 हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीन सीरीज एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देता है कि हमारे टाइप्स ऑफ ओपिनियन क्या हो सकती है ऑडिटर के, ओके वहाँ पर उसकी डिटेल्स है। SA701 है की ऑडिट मैटर्स, जैसे कि है अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है तो स्पेसिफिकली स्पेशल अलग से रिपोर्टिंग करनी है उसकी, तो वो है SA701 में, ओके दैट इज की ऑडिट मैटर्स। ओके, नेक्स्ट इज SA705 मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, वेदर द ओपिनियन विल बी डिस्क्लेमर और मॉडिफाइड एंड एक्सेप्टेड, वो हम हमारी रिपोर्टिंग ऑडिटर्स रिपोर्टिंग करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है SA706, ये भी एक पार्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट का जो कि है एम्फोसिस ऑन मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, अब आता है SA710, दिस इज अ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है ऑडिटर के अंडर में जो उसके प्रीवियस ईयर की भी इंफॉर्मेशन दी भी रहती है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन की तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की एंड हाउ ही हैव टू डील इट एंड हाउ ही हैव टू रिपोर्ट इट। ठीक है, SA720 में रहते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिट रिपोर्ट, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो मैनेजमेंट की तरफ से होती है, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट भी अटैच होती है एनुअल रिपोर्ट के साथ, तो उसमें जो भी एस्पेक्ट्स है फाइनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल एज यू नो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, वो सारे चीज़ों में ऑडिटर्स की कितनी लिमिटेड तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ें डील करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे यू नो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं और वीडियोज बना सकूँ ऑन ऑडिटिंग। हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे प्रोफेशनल एथिक्स पे, वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट पेज रिविजन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।